ये हमारे वार्ड के प्रेसिडेंट है आम आदमी पार्टी के, ये मालवीय नगर में रहते हैं, 80/ कितना है, 80/42 में रहते हैं। सूरज भान सेक्रेटरी है, ये रहते हैं आपको वाजरानी क्षेत्र में। देवेंद्र चौहान जी ट्रेजरर हैं खजांची, इनके पास पैसे होते हैं, अभी है नहीं वैसे, पैसे इकट्ठे कर रहे हैं अभी, जिसको दान देना हो दे देना इसको, ये खजांची है ट्रेजरर है। और साजिद, साजिद किधर आया नहीं है, साजिद किधर, तो साजिद जिधर भी हो तो दिलाएगा मिला देंगे आपको, वो आपके ग्रीवांस ऑफिसर है जो दुखों का अंबार है क्षेत्र में, जहां जहां है, जहां जो जो रह गया है उसकी इंचार्ज वो है, जैसे दुख खत्म होंगे उनका काम खत्म हो जाएगा। तो आज शुरुआत करते हैं, अधिकारी अपना थोड़ा परिचय दे देंगे, नाम और किस क्षेत्र में, माइक एक्स्ट्रा है कि नहीं, सभी लोग सामने आ जाए। ये जो अनुभव है मोहल्ला सभा का एक अनूठा प्रयोग है, इसमें कि हर महीने आपके सामने पदाधिकारी आते हैं, एमएलए आपके सामने हर महीने आता है, वो चुनाव का इंतजार नहीं करता कि आपके पास आने के लिए, क्योंकि समस्याओं को खत्म करने के लिए आए हैं, तो आपके साथ रूबरू हर महीने हम होते हैं। हर महीने के दूसरी सप्ताह, दूसरा शनिवार, हर महीने का दूसरा शनिवार 4 बजे से लेकर 6 बजे तक आपकी मोहल्ला सभा कहीं ना कहीं आपके वार्ड में हो रही होगी। जो कुछ भी आप इस बार अपने कंप्लेंट्स दिखाओगे उसका स्टेटस अगले महीने मिल जाएगा, क्या क्या है लोगों ने, आइए हाँ जी शुरू करो। हेलो, गुलाम सज्जाद, उस तरफ जोनल इंजीनियर गुलाम सज्जाद, सीवरेज मालवीय नगर। ये गुलाम सज्जाद साहब है, और जब भी अधिकारी खड़ा हो तो थोड़ा ताली बजा के उनका मनोबल बढ़े, ताली में कंडीशन मत बदल दिए, अरे मुंह पे ले जा भाई माइक। मोदी रघुवीर एनसीसी हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर, जयवीर जगवीर हॉर्टिकल्चर है एनसीसी, हाँ जी हाँ जी हाँ ठीक है, चौधरी जगवीर एनसीसी हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर, चौधरी जगवीर एनसीसी हॉर्टिकल्चर, मतलब पेड़ों की कटाई छटाई, पेड़ों का लगाना इनके जुम्मे है। बलजीत सिंह जेई वर्क्स वार्ड 162 के एमसीडी के वर्क्स का जो ये जूनियर इंजीनियर है, आपके सड़कों का बनना, गलियों का बनना, जो पार्क में ये वॉकिंग फ्लैग बना है, बनाए कि नहीं बना अभी वॉकिंग फ्लैग, अरे बनाना भी इस पार्क के अंदर बन गया ना जी, कैसा अच्छा काम हुआ है, तो पहले बजा दो इनके लिए कम से कम। अच्छा अरे उसकी बात करें, देखिए व्यवस्था में सुधार बहुत है, संभावना बहुत है व्यवस्था में। हाँ जी आप बोलो। सुनील कुमार इंजीनियर बीएसएस, सुनील कुमार बीएसएस इंजीनियर है, जो आपके स्ट्रीट लाइट्स की जो समस्या है वो ये देखेंगे जी। अजय शर्मा असिस्टेंट मैनेजर स्ट्रीट लाइटिंग में देखता हूँ, जो बाकी कंप्लेंट्स हैं, बाकी बिल्स वगैरह, घरों की नहीं, घरों की लाइट्स वगैरह वो ये देखते हैं, और स्ट्रीट लाइट मैं देखता हूँ, जो नया कनेक्शन वगैरह वो देखेंगे। नहीं नया कनेक्शन तो अच्छे नहीं से बिलिंग वाले हाइड कर दोगे ना, हाँ बिल्कुल अगली बार से लेके आना उसको भी, ठीक है। तो ये जो स्ट्रीट लाइट्स वाले जनाब ये हैं, और वो बाकी घरों की कनेक्शंस के वो हैं जी। सरपंच शर्मा सैनिटरी इंस्पेक्टर वार्ड नंबर 162, इनको पहचानते हो सब कोई, सफाई है क्षेत्र में, देख लो जी फीडबैक आ गया। अच्छा बैठ आपको हम बात करेंगे। अच्छा देखिए जो हमने व्यवस्था शुरू करी है मोहल्ला सभा की, इसमें महीने दर महीने हम खबर ले पा रहे हैं भाई, जो हमने आज आपको जो दायित्व दिया अधिकारियों को
अगले महीने क्या आपने कहां तक उसमें सफलता प्राप्त कर ली, कहां तक आपने उसमें काम कर लिया। तो थोड़े बहुत तो हर महीने में समस्या होगी, लेकिन धीरे धीरे कब तक भागेंगे? इनको भी हाथ पड़ जाएगी जी, हमको तो रिपोर्ट देनी है, तो करेंगे धीरे धीरे। समय बहुत है, अभी इनसे हम काम लेना सीख रहे हैं धीरे धीरे। वो इनको भी आदत पड़ गई है कि जी हाँ, तुम काम करने वाले नेता नहीं रहे, आपको सब इज्जत से आप कह के बुलाता है, तो आप भी जनता के प्रति समर्पित रहिए। इतना ही हमसे, हम आपसे गुजारिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले पानी की समस्याओं की। जिन जिन क्षेत्रों में जो सबसे बड़ी एक खुशी की बात है कि जो अपना वो स्ट्रेच है मोहल्ला जामपना हौजरानी ये कुमार बस्ती खिड़की एक्सटेंशन खिड़की विलेज, ये सारे का सारा स्ट्रेच एक नए पाइपलाइन से जुड़ गया है। एक नई पाइपलाइन डली है अरविंदो कॉलेज में जो यूजीआर है वहां से लेकर के खिड़की एक्सटेंशन खिड़की विलेज तक। अब जो पुरानी कनेक्शन है वो नए पाइपलाइन पे ट्रांसफर हो रहे हैं, और जब वो ट्रांसफर हो जाएगा पूरा तो जो मालवीय नगर की तरफ से पानी जा रहा है हौजरानी की तरफ वो उधर नहीं जाएगा। जो सोनिया बिहार का कनेक्शन मालवीय नगर होते हुए जो हौजरानी की तरफ जा रहा है वो फिर नहीं जाएगा, उनका सारा सप्लाई उधर से आ जाएगा। ठीक है ना, समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि चूंकि उस पूरे क्षेत्र को पहली बार, मुझे लगता है पहली बार इस समस्या से पूरी आजादी मिल जाएगी। जो पानी की राजनीति थी वो खत्म हो जाएगी। जो पानी के ऊपर राजनीति थी कि भाई पानी ला देंगे पानी ला देंगे पानी ला देंगे, वो खत्म हो जाएगी। अब ये अभी बता रहा हूं सर, व्यवस्था धीरे धीरे। तो ये अभी 4.5 महीना हुआ है आपकी सरकार को बने, 5 महीना हो गया, तो उसमें बहुत सारी चीजें दिखने लगी है, बहुत सारी चीजें दिखेंगी। पानी कनेक्शन नहीं लगा अभी पूछ, अरे पूछते पूछते रुको तो सही, सारी दुख व्यवस्था दूर होगी। अच्छा, एक जो बहुत बड़ी अचीवमेंट पूरे क्षेत्र को समझ में आती है, पहली बार बगैर पैसे का, बगैर एक नया खर्च किए सभी के पेंशन बन रहे हैं। अरे सुन लो एक सेकंड, बैठ जा, बता रहा हूं जो व्यवस्था सुधार रहा हूं तो बता तो रहा हूं। आपको किसी ने पैसा मांगा? किसी ने? कोई भी आदमी, कोई भी बहन भाई यहां बैठा रहे जो बता दे, किसी भी आदमी ने, किसी अधिकारी ने, एमएलए के ऑफिस से किसी आदमी ने किसी काम के लिए को पैसा मांगा आपसे? क्या इसके पहले पैसे मांगे जाते थे कि नहीं जाते थे? हर हर पेंशन के लिए 1,000 रुपया 2,000 रुपया 5,000 रुपया, हर चीज के सिग्नेचर के लिए पैसे। तो जिससे मुक्ति मिल रही उसको हमें स्वागत करना है, बाकी व्यवस्था के अंदर समस्याएं हैं उसको धीरे धीरे करके सुधार। जो अधिकारियों का अप्रोच आपके तरफ है उसमें सुधार हुआ कि नहीं हुआ है? हुआ है ना जी। तो जो जो चीजें लंबी चौड़ी समय से एक व्यवस्था में है उसको सुधारने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। अब हम पानी की समस्या के प्रति आपको, अच्छा एक बात और बता दूं, मोहल्ला क्लिनिक का जो जो आपने अखबारों में पढ़ा होगा, जो टीवी में देखा होगा, 1,000 मोहल्ला क्लिनिक पूरे दिल्ली के अंदर बनने वाले हैं। उसमें एक सैंपल अभी पीछे माननीय मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया था, वो मोहल्ला क्लिनिक सरकार ने, आपकी सरकार ने सिर्फ 20 लाख रुपए में बना दिया, जो कि पिछले जमानों में बनते थे 5 करोड़ में। 5 करोड़ की लागत वाला मोहल्ला क्लिनिक सरकार अगर ईमानदार हो तो 20 लाख में बन सकता है, हमने करके दिखाया। ठीक है जी, तो थोड़ा ताली बजा लो, खुशी मना लो, पैसे आपके बच रहे हैं। अब आपके क्षेत्र में 15 क्लिनिक ऐसे बनेंगे अपने क्षेत्र में। एक जो ये हौजरानी के बगल में जो, जब आप जकरिया पास से आगे जाते हो
एक पुरानी आंगनवाड़ी की प्रॉपर्टी पड़ी है, वो बिल्कुल जर्जर हालत में है, उसका मिसयूज शुरू हो गया। मेरा प्रयास है कि वहां पे एक मोहल्ला क्लिनिक बन जाए। और मोहल्ला क्लिनिक का फायदा क्या है, इसका भी करें कि सुख तो अभी आ रहे आ रहे, अभी अधिकारी सामने सबसे हिसाब का लेंगे। जी जी जी, तो ये सुन लो, बात करेंगे आप। तो जहां जहां अगर आपको लगता हो कि आपके पास कोई अच्छा खासा सरकारी जमीन अवेलेबल हो और आप चाहते हैं कि वहां पे बनना चाहिए मोहल्ला क्लिनिक, तो आपका सुझाव आमंत्रित करता हूं। जी जी ठीक है। अच्छा, मोहल्ला क्लिनिक का बेनिफिट ये है, वहां पे सारे टेस्ट हो जाएंगे, सारे टेस्ट हो जाएंगे, दवाइयां मिल जाएंगी और कंसल्टेशन सब मिल जाएगा। जो अभी अनुभव में आया है कि सिर्फ 5% लोगों को ही बड़े अस्पताल जाने की जरूरत पड़ रही है, सिर्फ 5% लोगों को ही बड़े अस्पताल जाने का जरूरत पड़ रहा है। मतलब 95% लोग क्षेत्र के या जो भी जिनको तकलीफ है उसी मोहल्ला क्लिनिक से उनका इलाज हो पा रहा है, तो बड़ा अच्छा रहेगा। जिन जिनको जहां जहां, चूंकि 15 बनने हैं पूरे क्षेत्र में, आपके वार्ड में 4 की संख्या आ सकती है, तो एक तो मैंने ये सोचा है, बाकी आपके नजर में आता हो जहां कहीं भी बता दीजिएगा। ठीक है जी, खुशी नहीं है, छोटे छोटे चीजों में खुशी बना लिया करो कभी, इसका भी करेंगे जी। एक तो इसका मैंने वो ऑर्डर पास किया हुआ है, जो आपका ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसको तोड़ने का पास किया हुआ है। दूसरा ऑर्डर मैंने पास किया हुआ है कि ये जो सीवरेज लाइन अंदर से गुजर रही है, सीवर लाइन अंदर से गुजर रही है, उसको बाहर से ले जाएं, क्योंकि पार्क में सीवर लाइन गुजरना ठीक नहीं है। चलिए एक सेकेंड, एक एक करके हम सारी समस्याओं के बारे में, धैर्य रखना जब बातें करो तो अपने अपने बात धैर्य पूर्वक रखिए, आपकी बात पूरी सुनी जाएगी और उसका पूरा लेखा जोखा दिया जाएगा। व्यवस्था हम अभी, अरे रुक जाइए, व्यवस्था एक करप्ट व्यवस्था से हम करप्शन फ्री व्यवस्था पे धीरे धीरे करके शिफ्ट कर रहे हैं। आसान काम नहीं है ये, जहां हर चीज के पैसे लगते थे वहां हर अब सब कुछ मुफ्त में कराने का प्रयास किया जा रहा है। जिन जिन को पैसे की आदत पड़ी हुई है वो लोग थोड़ा समय तो प्रोटेस्ट करेंगे, जब उनको विश्वास हो जाएगा कि जी अब तो ये लोग यही लोग टिकने वाले हैं, अब वो फोर्स में वापस नहीं आएगा, तो फिर तो वो करना पड़ेगा। पानी वाले आने में थोड़ा वक्त लग रहा है, हम इसके पहले सीवर कर लेते हैं। सीवर की समस्याएं, जो आदमी बात करेंगे अपने समस्या की, वो बड़े आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक अधिकारी के सामने अपनी बात रखेंगे। मुझे मालूम है सिस्टम जो अधिकारी हैं उनकी भी अपने लिमिटेशंस हैं, जैसे बहुत समय से मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको एक मिल जाए पीने का पानी का टैंकर जिसमें मोटर लगा हो, अगर मोटर वाला टैंकर हो तो घर के टॉप फ्लोर पर पानी पहुंच सकता है, जो इनके पास नहीं है। मैं प्रयास कर रहा हूं कि ऐसा आ जाए यहां पे, तो जब तक वो आएगा तब तक थोड़ी बहुत समस्या रहेगी। जी सीवर की समस्या, और अगर आपके समस्या को ऑलरेडी मेंशन कर दे तो आप उसको मत रिपीट करिएगा, और अधिकारी से विनम्र निवेदन है कि भाई आप लिख करके तिथि बताएं कब तक हो जाएगा, और चूंकि सारे के सारे इवेंट वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए आपको वही तिथि बतानी है जिसके जब तक आप काम कर लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि कल हो रहा है तो 2 दिन और ले लो, 2 दिन एक्स्ट्रा ले लो, लेकिन उसको वायलेट मत करना। ठीक है जी। हाँ जी सर, आदरणीय सोमनाथ भारती जी, उनकी पूरी टीम और जितने भी सरकारी ऑफिसर्स आए हुए हैं, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ और स्वागत करता हूँ यहाँ पे, और जितने भी मेरे यहाँ के निवासी आए हैं मैं उनका सबका भी धन्यवाद करता हूँ कि अपनी अपनी समस्याएं लेकर के आज की इस तरह की मोहल्ला सभा, जो कि शायद ही आपने पहले कभी देखी होगी, मैं नहीं समझता कि शायद आपने कभी देखी हो। तो जैसा कि अभी भारती जी ने कहा कि सब लोग अपना सद्भाव के साथ में अपने विचार रखें, कोई भी मतलब ज़्यादा उत्सुक होने की जरूरत नहीं है या झूठ खराबे वाली बात ना करें प्लीज। मैं भी एक समस्या लेकर के आया हूँ, हालांकि समस्याएं तो बहुत हैं लेकिन मैं सिर्फ एक या दो, क्योंकि सीवर से शुरू हुई है
तो सबसे पहले सीवर की समस्या, मैं जी 11 बटे 5 में निवासी हूँ और जी 9 जी 10 जी 11 जी 12 इस ब्लॉक का मैं वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट हूँ रेजिस्ट्रेशन का। मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि शायद पिछले 2 दशक से ये चारों ब्लॉक सीवर की प्रॉब्लम और पीने के पानी में सीवर की मिक्सिंग की प्रॉब्लम और सीवर ओवरफ्लो बैक टू देयर हाउसेज, क्योंकि बहुत पुरानी कंस्ट्रक्शन है, आज से 15-15, 20-20 साल के पहले के मकान बने हुए हैं, तो इसके ऊपर गौर फरमाना बहुत जरूरी है बजाय इसके कि महामारी फैले या कोई और कोई इस तरह की कोई समस्याएं पैदा हों। तो आज की सभा में ये सबसे पहला जो एक बहुत सीवियर प्रॉब्लम है कि 10/12 के बैक साइड में बहुत ज़्यादा बारिश का पानी इकट्ठा होता है और उस बारिश के पानी के निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। उसको इंटेंशनली चाहे सीवर डिपार्टमेंट ने और चाहे दिल्ली जल बोर्ड ने किसी ने भी सीवर के अंदर मिक्स कर रखा है और वो पॉइंट एक ऐसा है कि पूरे मालवीय नगर का डाउनफॉल है। अगर हौजानी को मिलाएंगे और मालवीय नगर को मिलाएंगे, जितना भी बारिश का पानी आएगा कितने हजारों टन लीटर वो सारा आकर के वहाँ इकट्ठा होता है और उसके बाद वो सीवर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। उसका हर्च ये होता है, ये आपने मुझसे पहले बताया था जी, मैंने आपकी नॉलेज में दिया है, सर आज पहली बार आए हैं। उस पॉइंट पे चूंकि लो लाइंग एरिया है, अगर वहां पे आप एक वाटर हार्वेस्टिंग पिट बनवा दीजिए तो पानी अंदर चला जाएगा, हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी हो जाएगा और इनकी समस्या भी ठीक हो जाएगी। ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग पिट बनाने के लिए आप 1,00,000 रुपए भी देते हो, मालूम है आपको नहीं मालूम है? हाँ, तो आप इनसे कंसल्ट करके उस पूरे प्रोसेस को पुश कर दो। सर एक वाटर हार्वेस्टिंग ऑलरेडी यहाँ पे है लेकिन वो भी कहीं ना कहीं ब्लॉक है, उसको बने हुए आते लिख, ये भी लिख लीजिए उसको सफाई करा दीजिए, उसको मुश्किल से 1.5 साल हुआ है लेकिन वो जो नया बनाना है वो भी और जो पुराना बना उसकी सफाई करा दीजिए। बस इसी मेजर समस्या के साथ अगर ये समस्या सॉल्व हो जाती है और जो भी आप समय देंगे, हमारा मेरा एड्रेस जी 11/5 है लेकिन जो ब्लॉक फैक्ट्री है जी 9, 10, 11, 12, 8, 7 ये सभी के सभी सभी घरों में वापस सजिए। थोड़ा थोड़ा शॉर्ट मुझे जो कहना चाह रहे हैं कि जी पानी का समस्या मेरा नहीं है, ड्रेन का समस्या है, वो ये कहना चाह रहे हो ना? आपको मालूम है मेरे पिछले 1.5 साल से मैं गाना गा रहा हूँ कि मुझे सीवर और ड्रेन के मैप्स चाहिए, नहीं गा रहा हूं मैं? आपने दिया आज तक मुझे? बोल दिया 1.5 साल से, बोलो जनता के सामने बोल रहा हूं मैं। सर जी मैपिंग सेल हमारे लिए बनी है, जनता के लिए बनी है, किसके लिए बनी है? मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, मैं जानना चाहता हूं मैं कहां पे आपके ड्रेन है, कब बना, क्या साइज था। अगर मैप मिलते मैं 1.5 साल से मांग रहा हूं जी कि क्षेत्र का मुझे मैप मिल जाए तो मैप में समझ पाऊं कि कौन सा ड्रेन कहां जा रहा है, उस पर जनसंख्या कितनी थी जब बनी थी। देना नहीं चाहते, पता नहीं क्या छुपाना चाहते, हो सकता है छुपाना चाहते हैं कि भाई कई बार कागजों में डल गए आपके सीवर के पाइप, असली में डले नहीं है। बैठ जाओ जी। हाँ सर बैठे भाई, ये मैप्स भी दिलवा दो मुझे, मुख्यमंत्री ने बोल दिया, मुख्यमंत्री तक ने बोल दिया कि भाई इनके मैप्स दे दो। मैप के लिए हमने रिक्वेस्ट कर दी है, जैसे ही आएगा आपको प्रोड्यूस करा दिया जाएगा और जो हमारे पास अवेलेबल है वो आप जब टाइम में लेकर आ जाओ। सर जो मुझे असली वाले मैप चाहिए जिसमें की कौन सी पाइप किस समय डली थी, क्या साइज था, मालूम तो पड़ेगी कितनी साइज बढ़ गई, क्या जनसंख्या बढ़ गई, उसकी साइज कितनी बढ़नी चाहिए। और ये वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स का देखो जुम्मा ले लो, मैं बार बार सुनता हूँ कि जी आप 1,00,000 रुपए दे दोगे। बलजीत भैया ये वहां पे आपकी जो पूरे क्षेत्र के अंदर क्या ड्रेन नहीं बन सकता तो क्यों नहीं बनाते? अच्छा हुआ कि एमसीडी वाले जो वर्क्स के हैं और दिल्ली जल बोर्ड दोनों बैठे हुए हैं। देखिए कारण क्या है कि आपका ड्रेन और इनका सीवर
बहुत जगह इंटरचेंज है, बहुत जगह आपस में मिक्स है, कहीं आप उनका ट्रेन रिसीवर यूज कर रहे हो, कहीं वो आपका ट्रेन यूज कर रहे हो। इससे क्या हो रहा है, जो बारिश का पानी है वो भी बर्बाद जा रहा है और एक बोझ और बन गया कि भाई सीवर वो ओवरफ्लो हो रहा है। या तो वहां पे ड्रेन बनाओ, आपका डिपार्टमेंट बनाता है वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स? नहीं बनाता। कौन बनाता है? आप बनाते हैं भैया जज साहब, तो बना दो। जो हमारी परमानेंसी होती है जो प्रोसीजर पर बनाते हैं, तो कौन बनाएगा इसको? डिस्कस कर लेंगे सर, अगर हमारे यहाँ भी लोग हैं। ये वंस एंड फॉर ऑल नहीं पॉसिबल नहीं। आप इस मैटर को रेज करो और मेरे थ्रू रेज कर लो। आप चिट्ठी लिखो मुझे कि आपने जो उस दिन कहा था मैं कैसे बनवाऊं, ठीक है? ये वंस एंड फॉर ऑल वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स की जिम्मेवारी एक एजेंसी को लेनी पड़ेगी। वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जो पिट्स चाहिए उसमें क्लियर वाटर की जरूरत होती है। अगर हम सड़क पर बनाते हैं तो रोड ये मलबा चला जाएगा, वो बंद हो जाएगा, फिल्टर करा दीजिए उसको। उसके लिए जो वाटर हार्वेस्टिंग पिट है वो पार्क में, और जो भाई अगर वाटर हार्वेस्टिंग पिट बना रहे हैं आप, उसके चारों तरफ फिल्ट्रेशन का अरेंजमेंट कर लो। वो बट काइंडली डू इट क्विकली सर, रोड पर फिजिबल नहीं है सर। वो रोड पे तमाम मलबा स्लश जो है बारिश में चला जाएगा, वो एक महीने में बंद हो जाएगा। फिल्टर नहीं कर सकते उसको हम? फिल्टर ही चौक हो जाएगा सर एक महीने में, वो उस पर चलेगा। पार्क में और इधर उधर तो सही हो सकता है सर, और फिर अगर कहीं से सीवर का पानी चला गया उसमें तो वो भी सब खराब हो जाएगा सर। आप ये पता करो कि क्या बारिश का पानी को हम कैप्चर करने के लिए क्या क्या अरेंजमेंट हमारे पास, हम क्या कर सकते हैं उसको? जल बोर्ड जो है ना सर, जो RWAs हैं, इसको पार्क में सोसाइटी के अंदर जहाँ पर साफ पानी है वहाँ बनाने के लिए मदद करता है। लेकिन जो बारिश के पानी की जिम्मेदारी सर यही है सर, वो करेंगे कैसे भी करें, वो कहाँ लेके जाएंगे लेके जाएंगे? कौन RWA करेगा? MCB वाले जो है उसको पानी का इंतजाम करें, बारिश का पानी कहाँ लेके जाना उनको, कहाँ ले जाओगे भाई? इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी है सर। वो नहीं, उसको आप सीवर में ना डालो, उसे आप पार्कों में डलवा दो, पार्कों में डाइवर्ट कर दो, कुछ तो करो। मैं सर एक बार देख लूँ फिर आपको कब तक दे दोगे? दो दिन। और पार्क में कन्वर्ट कर दो उसको, मैं एक बार देख हो जाएगा, हो जाएगा, तीन दिन में हो जाएगा, हो जाएगा, तीन दिन में रिपोर्ट दे देंगे। रिपोर्ट दे देंगे सर का बहुत बहुत धन्यवाद। इस शिशु को बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने लिया, मैं धन्यवाद करता हूँ साहब का, और उम्मीद करता हूँ कि बड़ी जल्दी इस प्रॉब्लम से हमें निवारण मिले। हेलो जी, जी बताएं सीवर का, पहले सीवर का जी। जी नमस्कार, जब भी मैं ऑफिस में जाती हूँ बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक आदमी चलकर वहाँ पर देखे कि वो सीवर लोगों के घरों में किस तरह से जा रहा है, किस तरह से बीमारी फैल रही है। मैंने बार बार डेंगू वालों को मलेरिया वालों को भी कहा कि आइए और देखिए, आप पब्लिक को तंग करते हैं कि चलान हो रहा है, इस सीवर के पानी का समाधान कीजिए। मैं एक दो ऑफिसर की बहुत रिक्वेस्ट करती हूँ और वो सुनते भी है, फोन अटेंड करते हैं, कुछ है जो सुनना नहीं चाहते हैं। पर्सनली मैं किसी का नाम नहीं लूंगी। वहाँ पे जो ड्रेनेज का नाले बने हुए हैं उनके अंदर ईंट रोड़ी मलबा पड़ा हुआ है, उसके अंदर बाद भरी हुई है। ये सर मेरे पास आए थे परसों तक, इन्होंने कहा कि स्लैब नहीं है, मैं कर दूंगा। फिर भी इन्होंने क्लीनिंग कराई, मैं मानती हूँ, लेकिन सीवर वाले हमारा कोई नहीं सुनते हैं। बारिश का पानी, सीवर का पानी, तीन तीन फुट सड़क पर खड़ा होना हम लोगों के लिए शर्म की बात है। मैं मानती हूँ कि आप ये मोहम्मद सभा कर रहे हैं, हमारी प्रॉब्लम सुन रहे हैं, आज से पहले किसी की नहीं सुनी गई, मैं इस बात के लिए इज्जत देती हूँ आपको, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व होनी मस्ट है और जल्दी से जल्दी सीवर का वो ढक्कन ऊंचा करें। ये बताएं मुझे इनकी समस्या, मैंने खुद ये कितनी बार कॉम्युनिकेट किया, K4F में है ये, K4F में है ये, मैं बोल रहा हूँ, मुझे मालूम है आपकी समस्या, मैंने खुद कम्युनिकेट किया है इनको बहुत बार, ये K4A से लेके F तक है इनका, ठीक है? पुनीत को बार बार इस समस्या क्या है, क्यों नहीं सॉल्व हो सकता?
आप क्यों चाहते हैं कि समस्या लगे रहे, अंधेरा कायम रहे? सर मुझे आए हुए अभी 3-4 महीने हुए हैं। मैं पहले उधर था, लाजपत नगर कालका जी में था सर। मैं अभी ज्वाइन किया 4 महीने से। मैंने तमाम मालवीय नगर के सर्वे, मुझे आशा है कि आपके जरिए कम से कम यहाँ की समस्याएं ठीक हो जाएंगी। सर मैं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पर जो सीवर लाइन पड़ी हुई है ना, सारी जो भी सीवर है उसका साइज जो है वो अंडर साइज सीवर है, और जो उसका आउटफॉल है वो तमाम आउटफॉल उसके प्रॉपर नहीं है। तो मैंने 2-3 प्रपोजल जो है वो भेज दिए हैं, और बारिश के बाद जो है वो प्रपोजल जो है वो आगे मतलब एक्सपीडिट हो जाएंगे। मैडम से मिलके इनकी पूरी प्लानिंग बना के लिए, अगर कुछ फंड की जरूरत है फंड दे देंगे। और ये पंजीत आप ही वहाँ पे, चूंकि बारिश के पानी नहीं निकल पाता, 3 फुट जो पानी जमा होता है वो बारिश का पानी जमा होता है, सीवर नहीं जमा हो रहा। तो बारिश का पानी निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है। आप बारिश का पानी निकाले सीवर में ना डाल करके उसे जमीन के अंदर जाने का प्रयत्न कराओ। अगर आपको लग रहा है कि वाटर हार्वेस्टिंग पिक्स सही नहीं होगा तो आप मेरे फोन से लगा लो, जितनी जगह बारिश का लो लाइंग एरिया आपको दिखता हो जहां बारिश का पानी इकट्ठा होता है, मेरे फंड से आप बना दो वाटर हार्वेस्टिंग पिक्स, आप टेंडर निकाल दो। सुन रहे हैं आप, मतलब हमेशा के लिए वाटर हार्वेस्टिंग पिक्स बन जाए, बारिश का पानी इतना अंदर चला जाए कि वो अपना ग्राउंड लेवल का वाटर ऊपर हो जाए, नहीं तो सारे ट्यूबवेल से सूख रहे हैं, सारे ट्यूबवेल सूख रहे हैं। हाँ जी, और सीवर की समस्या? यस सर, श्रीमान पार्टी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया है, आपने इस तरह का माला भी कॉन्फ्रेंस कराई है जिसमें दिल्ली के सभी अधिकारी मौजूद हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इस वक्त जो बात चल रही है वो पानी और सीवर की चल रही है, वहाँ पर प्रॉब्लम बहुत है, पर इस वक्त इन दोनों के बारे में मैं कुछ रोज भी डालना चाहता हूँ। जहाँ तक हार्वेस्टिंग पिट का तलक है, हमारे मालवीय नगर उसी ब्लॉक में एक और सत्ती के बीच में जो हमारा वेलफेयर एसोसिएशन है, इसका वाटर पिट भी बना हुआ है। अभी वो वाटर पिट जो बना हुआ है उसको चालू कराना है, नंबर वन। नंबर दो, जितने भी हमारा सीवर लाइन है, जब से बना है एक बार भी सफाई नहीं हुई उसकी। उसका रिजल्ट ये है कि बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है पानी और बरसात की वजह से पानी ओवरफ्लो किया है और वो घरों में बह है, जिसका मैं सबूत दे सकता हूँ, मेरे घर में भी आया था। और जहाँ तक पानी का तलक है, जितनी ये पानी की ट्यूबें हैं इनमें कंकर फंसे पड़े हैं, और जब हम पानी खींचते हैं तो हमारी मोटरों में वही पानी साथ के साथ वो छोटे छोटे फीचर्स भी आते हैं जो उसको ब्लॉक कर देते हैं मीटर को। उसका रिजल्ट क्या है, एक हफ्ते 10 दिन के बाद मीटर खराब हो जाते हैं, या उस मीटर के थ्रू पानी की जो फ्लो है वो एकदम लिमिट पे आ जाता है। इसके बाद पानी की समस्या हो जाती है। पानी की जो बात है वो समस्या बड़ी गंभीर है, कभी तो पानी गंदा आता है। सर पहले हम सीवर का कर लें, उसके बाद साहब मेरी एक साथ बात सुनिए, ये कनेक्ट नहीं, पानी का बंदा आएगा तभी तो लिख पाएगा वो। अच्छा बोलिए, पहले सीवर की बात करते हैं, पहले सीवर कर लेते हैं, करिए सीवर की बात हो जाए, मैं सीवर की बात करता, पानी की बात कर लो। तो प्रोफेसर साहब ये पहले वो आ जाए ना, तो कहां है वो सर? तो दूसरी बात कर लेते हैं ना अभी। अरे सर, पानी की बात और सीवर दोनों सुन तो ली, पानी की जो भी ट्यूबें हैं उनमें पत्थर छोटे छोटे, सुन लिया सर, सुन लिए, और रोज एक सुनिए, रोज जितना भी अपने पास ट्यूबवेल्स है उसकी वाटर क्वालिटी चेक करो, ठीक है, लिस्ट ऑफ ट्यूबवेल्स की वाटर क्वालिटी चेक कर लो, रिपोर्ट भी दे दो, किस किस जगह पे रीबोरिंग की जरूरत है, किस किस जगह पे कहीं और बोरिंग की जरूरत है वो देख लो। और पानी जो है वो कई दफा गंदा आता है, इनके बहुत बड़े ये मालवीय नगर के काफी अनुभवी इंसान है, इनके इनके साथ बैठ के आप यहाँ की समस्याओं को समझ सकते हो, सीवर की कहाँ समस्या है वो बता देंगे आपको। प्रिय भर, मेरी उम्र 84 है, मैंने यहाँ दुनिया देखी है, पॉलिटिशियन के वक्त पाकिस्तान से माइग्रेट किया हूँ, और वहाँ मेरे बाप का सबके सब समस्या मुझे पता है। पानी और जल, पानी और सीवर की मेन समस्या है, आज भी गंदा पानी मिला हमको पीने को, इसलिए सबसे दो समस्याएं हैं गंभीर। चिंता ना करिए,
सीवर की समस्या ले लो और मेरे लिए सीवर की समस्या है वो आप सीवर को साफ करने के लिए मेरा नाम अमरजीत सिंह जी नाम ये पहले मैंने कहा था कि जो गंदगी उठा लिया करो क्यों उठाते सर अब वो बारिश में क्या चक्कर है जी कि वो इनके पास कोई ऐसा तरीका नहीं अभी है कि गीला मलबा उठा लें अभी तो सुबह तो आज हुआ ना आज आज चल रही बारिश हुई है भैया आप थोड़ा इस पे नजर रखा करो कि जहां भी मलबा उठता है आप जैसे ही थोड़ा मैनेजेबल हो उठा लिया करो नहीं कर सकते करते नहीं कर लिया करो ना सर आप उठा लिया करो आप लिख लो जो नोट आना होगा मलबा कब उठेगा ये नदी लिख लिया उन्होंने आप उठता है अरे क्यों आप उनका बाइक चलाओगे कहां से बोले तो छोटा छोटा सा है ना छोटा वाला है बड़ा तो नहीं रहा है बड़ा है कहां पे गंदा पानी आ गया किससे पानी पीने के पानी के पाइप से सीवर का पानी धरती चेक करिए इनका चेक करिए भाई साहब कब तक कर लेंगे सर कर देंगे ना आपके नेता ने लिखवा दिया सब कुछ लिखवा चिंता ना करो हाँ जी नमस्कार जी नमस्कार जी मैं कमलेश साइकिल बोल रही हूँ जी लेवन पब्लिक फोर्स से जी हम आप डेढ़ महीना पहले हमारे पार्क में आए थे हमने आपको दिखाया था कि बाथरूम की कितनी समस्या है बिल्कुल ठीक है पार्क में सैर करने जाते हैं उसका कोई सलूशन नहीं भाई ये बाथरूम खुल नहीं सकता क्या वो बाथरूम किसके लिए बना है मैंने डीसी को बोल दिया मैंने सबको बोल दिया क्या चक्कर है यार क्यों नहीं खुलता बाथरूम ये जो जकरिया पार्क है उसके बगल में जो बाथरूम बनाया नया वाला तो क्यों नहीं पोटी लगी हाँ जी डब्ल्यूसी लगा है ना सर से मैं कुछ बोलूंगा सर आप एक सेकंड सर देखो सुनो अगर आपको पुलिस को बोलना पुलिस को बोलो वो बाथरूम चलेगा और नारी बात आपको पूरे